आप समझिए कि जहां इस तरह की प्रार्थनाएं हो वही सच्चा धर्म भी हो सकता है। जहां ये भी कहा जाता है कि तुम अगर मेरी मान्यता को नहीं मानते तो फिर तुम्हें जीने का भी अधिकार नहीं है, तुम धरती पर रहने लग रही। बड़ी अद्भुत कथा आती है, भगवान का एक भक्त हर दिन नियम पूर्वक भगवान की भक्ति करे, उसके दर्शन करे, हृदय में उसकी आवाज को सुने और नियम बना लिया था कि किसी न किसी को हर दिन कुछ खिला करके ही भोजन करना। संयोग से 3 दिन कोई भी आदमी नहीं मिला उसको, भूखा जिसको भोजन कराना तो खुद भी भूखा रहा, और 4th दिन उसको एक आदमी मिला तो उसको इसने बुला करके कहा कि तुम्हें भूख लगी, बोले हाँ लगी है, कुछ खाओगे खाएंगे, मेरे घर चलोगे चलेंगे, पास में मेरा घर है वहां मेरे घर चलिए चला गया। भोजन लगाया गया, भोजन लगाते ही उसको कहा गया कि हमारा नियम है भगवान को मानते हैं, थोड़ी प्रार्थना कर लीजिए, पहले उसको कह दीजिए कि आज के भोजन के लिए धन्यवाद, आज के जीवन के लिए धन्यवाद, आज के अवसर के लिए धन्यवाद। उस आदमी ने कहा मैं भगवान को मानता ही नहीं। हाँ तुम्हारा धन्यवाद जरूर कर देता हूं तुमने भोजन दिया। उस आदमी ने कहा कि जिसने मुझे भोजन दिया है उसका तो धन्यवाद करो, जिसके कारण ये सांस चलते हैं। बोले जी मैं नहीं मानता किसी के कारण सांस चलते हैं, तो चल रहे भाईचान दुनिया चल रही। बोले जिसने दुनिया बनाई, बोले अपने आप बन गई, किसने बनाई थोड़ी। इस आदमी ने कहा कि मुझे एक बात बताओ कि बैलगाड़ी जा रही हो उसके अंदर ईंटे भरी हो और कुछ ईंटे जमीन पर गिरती चली जाए और अचानक कोई आधे घंटे बाद आदमी उधर से आए सड़क पर पड़ी हुई ईंटे देखते हैं, देखते क्या समझ में आया कि ये ईंटे अपने आप कहीं से गिरी है और अगर कहीं ईंटें संभाल कर रखी गई है तो क्या समझ में आता है कि किसी ने संभाल के लगाई है। अगर ये दुनिया अपने आप बनती तो जैसे ईंट गिर गई ना अपने आप इधर उधर ऐसे ऐसे, तब तो फिर ऐसी दुनिया होती। ये दुनिया तो इतनी व्यवस्थित है, हर चीज का एक सिस्टम है, हर चीज में कोई नियम है, उन नियमों को खोजने तो साइंस है। यही तो दुनिया भर में अन्वेषण सत्य हो रही है, शोध हो रही है,